उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल में 2 साल से ज्यादा वक्त तक बंद रहे आजम खान रिहाई के बाद एक बार फिर से समर्थकों के बीच में हैं। ऐसे में उन्हें लेकर खूब चर्चा बनी हुई है कि आजम खान का अगला कदम क्या रहने वाला है। सपा के इस वरिष्ठ कद्दावर और यहां के मुस्लिम वोट बैंक में अच्छा दबदबा रखने वाले आजम खान का सियासी मूड टटोलने की कोशिशें की जा रही हैं। उनसे ये जानने की कोशिशें हो रही हैं कि जेल में बंद रहने के दौरान सपा सुप्रीमो से जिस नाराजगी की चर्चा पूरे उफान पर थी, उस पर उनका क्या कहना है। तो ऐसी तमाम अटकलों और कयासों पर विराम लगाते हुए आजम खान ने साफ करने की कोशिश की कि उनका किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। उनसे इस दौरान जो मिलने के लिए पहुंचे उनका उन्होंने शुक्रिया अदा किया। हालांकि उनसे मिलने के लिए ना पहुंचने वालों को भी उन्होंने शुक्रिया कहा, लेकिन इस अंदाज की शैली में थोड़ा व्यंग भी था। उन्होंने कहा कि ना मिलने वालों से वे नाराज होने की हैसियत में बिल्कुल भी नहीं है। किसी के आने पर कोई कमेंट कर रहा हूं, ना किसी के ना आने पर। जो आए उनका शुक्रिया, जो नहीं आ सके किन्हीं कारणों से उनका भी शुक्रिया, क्योंकि मैं नाराज होने की हैसियत में ही नहीं हूँ। इसलिए कि मुझे जो तहफ़ुज़ मिला है, जो प्रोटेक्शन मिला है, वो न्यायपालिका से मिला है। मैं किसी से नाराज हूँ। अखिलेश यादव से किसी तरह की नाराजगी के सवाल पर उन्होंने साफ तौर से इनकार कर दिया। हालांकि इस दौरान वे थोड़े मायूस भी नजर आए। उन्होंने कहा कि उन पर जो जुल्म हुए हैं उसकी कहानी बताई जाएगी। उन्होंने कहा कि उन्हें बच्चों के हाथों में कलम थमाने की सजा मिली है। आजम खान ने कहा कि किस तरह से उनके साथ अन्याय हुआ और कैसे बुलडोजर चलवा दिए गए, उसे कोई भुला नहीं सकता। आपसे ही ये सूचना मिल रही है नाराजगी की, मुझे तो कोई वजह समझ में नहीं आती। दूसरी ये कि नाराज होने के लिए कोई आधार चाहिए। मैं खुद ही निराधार हूं तो आधार कहां से आएगा? मेरा अपना ही कौन सा आधार है? एक गरीब आदमी गली में रहने वाला, हाँ एक खता हुई थी कि बच्चों के हाथ में कलम देना चाहा था और चाहा है। वो मिशन आज भी जिंदा है। अगर यूनिवर्सिटी गिरा भी दी जाएगी, इस पर बुलडोजर चल भी जाएंगे, तो टूटे हुए खंडरात बनी हुई इमारतों से ज़्यादा इतिहास का हिस्सा बनेंगे और लोग उन्हें देखने आया करेंगे। हमारे परिवार और वो परिवार जो जेल के अंदर है और जो जेलों से निकल गए इन मुकदमात में, उनके किस्से और कहानियाँ, उनके वालदैन, उनके दादी दादा, नानी नाना सुनाया करेंगे। वो बताएंगे कैसा अन्याय हुआ था, हमारे किस्से सुनाए जाएंगे, हम पर हुए जुल्म की कहानियाँ सुनाई जाएंगी। क्यों भाई, क्या उसे भुला दोगे? आजम खान 27 महीने तक जेल में बंद रहने के बाद जेल से रिहा हुए हैं। उन्होंने अपनी खराब तबीयत की बात कही है, साथ ही उन्होंने सपा की बैठक में शामिल ना हो पाने की वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि वे अभी ऐसी स्थिति में नहीं है कि किसी भी बैठक में शामिल हो पाएं। अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने विधानसभा सत्र में शामिल हो पाने पर भी संशय जाहिर किया। गौरतलब है कि आजम खान ने विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद अभी शपथ भी नहीं ली है। इस पर उन्होंने कहा कि वे उम्मीद करते हैं कि उनकी तबीयत सही रहे और वे सफर कर पाने की स्थिति में भी रहें, तो वे इस पर आगे विचार जरूर करेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।